हाय दोस्तों, जीमेल आईडी को कैसे सेफ रखा जाता है। अगर आपका जीमेल आईडी का पासवर्ड भी कोई जान चुका है तो इस वीडियो में हम एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे अगर आपका कोई व्यक्ति भी जीमेल का पासवर्ड भी जान चुका है तो वो आपका जीमेल आईडी जो है हैंक नहीं कर पाएगा, जिससे आपका यूट्यूब चैनल भी सेफ रहेगा अगर आप ये चीज़ को स्टेप को फॉलो करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने जीमेल आईडी को सेफ रख सकते हैं। सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बर्मा टेक। चैनल पर तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जीमेल आईडी पर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके आसानी से अपने जीमेल आईडी को सेफ रख सकते हैं। कोई व्यक्ति हमारा अगर जीमेल का पासवर्ड जान लेता है तो वो अगर अपने डिवाइस में साइन इन करेगा तो जो उस पर जो है हमारे जो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा उस पर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। अगर उस ओटीपी पर हम नहीं देंगे तो जो हमारा जीमेल आईडी हो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिससे आपका YouTube चैनल भी सेफ रहेगा। एक नंबर के बाद जो भी अगर आप YT स्टूडियो को ओपन नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है ऑन करना होगा। सेटिंग ओपन कर लीजिएगा। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। इसमें आपको गूगल जो है फाइंड करना होगा। जैसे कि देखिए हमारे में यहाँ पर गूगल, तो गूगल वाला आइकन पर आप लोगों को जो है क्लिक करना होगा। गूगल वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी का आइकन दिया गया है, जस्ट सिक्योरिटी वाला आइकन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। चलिए हम सिक्योरिटी वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं मेरे में ये ऑफ है। हम इस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करना है, गेट स्टार्ट वाला आइकन पर क्लिक करना होगा। वो अपना ईमेल आईडी के पासवर्ड यहाँ पर इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करना, मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है इंटर करेंगे। इसके बाद देखिए जैसा कि बताया जा रहा है, जो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर इंटर करें तो उस पर कोड जाएगा। तो आप अगर फोन कॉलिंग के दौरान लेना चाहते हैं या टेक्स्ट के दौरान, तो चलिए हम जो कोड आएगा उसको टेक्स्ट के दौरान लेना चाहते हैं। अब इसके बाद सेंड वाला आइकन पर क्लिक कीजिए। वेरिफिकेशन जो है ऑन हो चुका है आज ही के डेट में। वीडियो को देखने के बाद आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना सीख चुके होंगे। आप इस तरीके से जीमेल आईडी को आसानी से सेफ रख सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक करना है। मन में अभी आपका डाउट चल रहा होगा तो नीचे मुझे कॉमेंट कर सकते हैं।